Hi everyone, welcome back. In this video I want to show you how to use assignment operator in Java. Java में assignment operator क्या होता है, कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले समझिए कि जो assignment operator होता है वो दो प्रकार से यूज किया जा सकता है। पहला होता है हमारा सिंपल assignment operator, जिसे आप बराबर कहते हैं, जो इसे हम बोलते हैं इक्वल टू बोलते हैं, इज इक्वल टू बोलते हैं, ठीक है, सिंपल सा होता है। दूसरा होता है कंपाउंड assignment operator, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक प्लस इक्वल टू होता है, एक माइनस इक्वल टू होता है, ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं हम, इसका फायदा यह होता है कि वी कैन, मतलब क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। ऐसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता था, इसमें आपको मैं बताया था पहली बार में कि जो हमारा ए प्लस प्लस होता है, ए प्लस प्लस होता है, ए माइनस माइनस होता है, वो क्या करता है, जो ए प्लस प्लस होता है हमारा, वो क्या करता है, सिर्फ एक ही वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सकता है। या वहीं मान लीजिए हमारा जो ए माइनस माइनस होता है हमारा, वो क्या करता है, एक बार में एक ही वैल्यू को माइनस माइनस कर सकता है। वहीं जो क्या कर सकता है, जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर वो क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू को क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्लस बराबर या सिंपल वाला है, इसे मान लीजिए आपने क्या किया, इसे लिख दिया आपने इंट ए इक्वल टू, आपने लिख दिया मान लीजिए 10, ठीक है, ए इक्वल टू आपने लिख दिया मान लीजिए 10। ये क्या हुआ, आप यहाँ पे जो देख रहे हैं जो बराबर लगा हुआ है, ये क्या हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, बट ये सिंपल है। कंपाउंड में क्या होता है, जो कि मतलब काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें प्लस इक्वल टू और माइनस इक्वल टू प्रयोग किया जाता है। दोनों का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो मैंने पहला बता दिया सिंपल वाला, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जैसे आप आएंगे मान लीजिए और यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे आया और इसको प्लस इक्वल टू यूज करना है, तो मान लीजिए ए में क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ए में मैं 5 और ऐड कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए, इसका मतलब ये हुआ आपको दिखा देना, इसका मतलब ये, इसका एक कोड लिखने का मतलब यह है कि ए में क्या हुआ है कि ए प्लस 5 लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब ए में 5 को जोड़ दिया गया है, एक मतलब 5 को इंक्रीमेंट कर दिया गया है। अब जब आप ए प्रिंट करेंगे ना, तो ये आपको ए इतना नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा या आपको मिलेगा, पहले ए के वैल्यू कितना था, 10 था ना, और 10 प्लस 5 कितना होता है हमारा, वो होता है हमारा 15। अब आप जब प्रिंट करेंगे तो आपको मिलेगा 15, आपको दिखा दे रहा हूँ मैं प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा हूँ कि जब आप ए प्रिंट करेंगे तो आपको मिलेगा 15, ठीक है। और जैसे आपको अभी रन कर रहा है इसको भी देखिए, क्योंकि आपने क्या किया, 5 को इंक्रीमेंट किया है, पहले क्या हो रहा था प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, एक ही इंक्रीमेंट हो रहा था, 10 बहुत होगा, 11 होगा, 12 होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ऐसा नहीं हो, देखिए तो हमको 15 मिल गया, आपको दिखाया ना 15 कैसे हुआ, 15 ऐसे हुआ क्योंकि इसने क्या किया है, ए प्लस इसका 5 का मतलब हुआ कि ए में, तो ए वेरिएबल है ये, ए में क्या हुआ है कि ए में 5 को जोड़ दिया गया है, इसलिए हमारा क्या हो गया, 15 होगा। अब ए का वैल्यू यहाँ पे आएगा ही, 10 आएगा, अदर पर 15 हो गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो माइनस वाला है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं क्या किया, यहाँ से हटाया और इसको मैं कमेंट कर दिया, ठीक है। आपको दिखा रहा हूँ कैसे डिक्रीमेंट हो रहा है, कैसे घटाएंगे हम, मान लीजिए आपने आया और ए लिया और ए में क्या करना है, इक्वल टू माइनस कर दिया, बराबर इक्वल टू, मान लीजिए आप घटाना चाहते हैं कि मैं 2 घटाना चाहता हूँ 2 को, अब ऐसा कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा, सॉल्व क्या करूँगा, ए डालूंगा, तो क्या होगा, अब इसमें देख रहा हूँ कि मैं दिखा दूं आपको इसका प्रोसेस कैसे चलेगा। इसमें क्या होगा, ए से क्या करना है हमको, ए में ए बराबर जो है उसमें ए में हमको कितना घटाना है, 2 घटाना है, तो जब ए में 2 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, ए का मान कितना था पहले था, 10 था, अब 10 में से 2 घटाएंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 8। अब आपको दिखा रन करके कि आपको वैल्यू 8 ही मिलने वाला है, ठीक है, तो देखिए कैसे 8 मिलेगा, आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि आपने क्या किया है वहाँ पे माइनस इक्वल टू प्रयोग किया है और इसलिए हमको क्या मिला, यहाँ पे 8 का मिल गया है, ठीक है। तो यह होता है हमारा क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं आप, इसे प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू, अगर मल्टीपल वैल्यू क्या करना है आपको, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आप ऐसा नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते थे, आप इसे मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे लिखने के लिए, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे लिखूंगा। इसे मान लीजिए आपने ए बराबर लिखा था ना, तो यहाँ पर दिखा देने से बहुत करेंगे, ए बराबर ए प्लस 2 ए माइनस 2 भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं है कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा काम करेगा, ये भी उतना ही काम करेगा जितना कि ए वाला हमारा काम करेगा, बट बेनिफिट यह है कि थोड़ा सा इसमें कम कोड लिखना पड़ता है, वो काफ़ी अच्छा रहता है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।